गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज आप लोगों के बीच में एक चैलेंज लेकर आई हूँ, क्योंकि दो तीन पर्सन ने बोल दिया था कि नितिश को लेकर आओ। नितिश ऐसे नॉर्मली डेली व्लॉग में नहीं आते, उन्हें लगता है बोरिंग बोरिंग सा, तो चैलेंज में ही नितिश आते हैं। तो आज हम चैलेंज कर रहे हैं एक जानी मानी, मतलब मैं बहुत छोटी थी, शायद मेरे से पहले की कंपनी है बिस्लेरी। हमने उसका पानी तो बहुत पिया, बिस्लेरी मतलब हम लोग यही सोचते हैं पानी, पर हम लोग उसे मार्केट में गए थे, हमने देखा कि बिस्लेरी ने एक न्यू चीज़ इन्वेंट करी है। तो उसमें ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, तो वो पियेंगे, उसका चैलेंज करेंगे। तो अभी आप लोगों को दिखाएंगे कि उसमें कौन कौन से फ्लेवर हम लेकर आए हैं और टेस्ट कैसा है। हमने एक फ्लेवर का टेस्ट कर चुके हैं हम लोग पहले, तो दो फ्लेवर और हमें इस बार मिले थे, तो वो देखते हैं और चैलेंज स्टार्ट करेंगे। उससे पहले नितिश से इंट्रोडक्शन करवाऊंगी, तो नितिश से पूछते हैं नितिश को आज का चैलेंज कैसा लग रहा है, क्योंकि पहला चैलेंज भी मैंने रखा था, दूसरा भी मैंने रखा था, पर तीसरा चैलेंज नितिश ने रखा है। तीसरा चैलेंज इसलिए नितिश ने रखा है क्योंकि मैं पानी इतना नहीं पीती हूँ, मैं पूरा दिन भी पानी नहीं पीती थी, यहाँ तक कि मैं प्रेग्नेंट थी मैं तब भी इतना पानी नहीं पीती थी, और नितिश मेरे से दुगना तिगना पानी पीते हैं, तो इस वजह से इस बार उन्होंने माइंड से रखा है। और लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो मैंने हेयर कट किया था, वो नितिश की पनिशमेंट थी। जिस जिसने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ पहले जाके वो वीडियो देखिएगा। और उसमें नितिश हार गए थे, गोलगप्पा चैलेंज था शायद, तो उसमें नितिश हार गए थे, तो उनका हेयर कट हुआ था। तो इस बार वो बहुत माइंड से चल रहे हैं, वो सोच के चल रहे हैं कि क्या करना है, तो अभी देखते हैं। और पनिशमेंट भी सोच रखी है, तो पनिशमेंट लास्ट में बताऊंगी आपको कि पनिशमेंट क्या है। मेरे लिए तो फिर भी सही है, नितिश के लिए फिर भी थोड़ी ऐसी सी है। पनिशमेंट मैंने रखी है और पनिशमेंट भी मैंने कमेंट्स देख के रखी है, क्योंकि कमेंट्स में मेरे पास किसी एक मेरे बहुत क्लोज पर्सन का मैसेज था वो कि ये वाला चैलेंज करो, बट वो मैंने पनिशमेंट में कन्वर्ट कर दिया है। तो अभी नितिश से पूछते हैं कि नितिश कितना एक्साइटेड है इसके लिए। तो हेलो नितिश। हेलो। मुझे आपसे एक क्वेरी थी कि आपको कैसा लग रहा है कि आपके मतलब कमेंट्स में इतने हो रहे हैं कि नितिश को लो चैलेंज में, तो मेरे से ज़्यादा पॉपुलर तो आई थिंक आप हो गए हो। ट्रेंडिंग में रहते हैं ना, इसलिए ट्रेंडिंग में आना पड़ता है, कंपटीशन मिलता है आपको, अच्छा तो अच्छा कंपटीशन दिखाएंगे जब भी, तो देखेंगे सब्सक्राइबर आपके तभी तो आपको प्यार देंगे। मतलब मैं अच्छा नहीं दिखाती? नहीं, उनको कंपटीशन चाहिए ना कि अच्छा कंपटीटर मिले। अच्छा, आप अच्छे कंपटीटर हो। हाँ, मैं आपको हरा सकता हूँ। और आज का चैलेंज तो मैंने बड़ा सोचा, गोलगप्पे का तो मेरे पे ही भारी पड़ गया था, बहुत ज्यादा भारी पड़ा था मेरे पे। आज मैं सोचा क्योंकि पानी पीती नहीं है, इसी बहाने पानी भी पानी भी पी लेगी और चैलेंज भी हो जाएगा। और जो सब्सक्राइबर ने बोला था कि चैलेंज नहीं हो रहे, और ड्रिंकिंग चैलेंज सबसे अलग है क्योंकि बोल रहे हैं खाने का चैलेंज करते हुए चैलेंज होता है। एक्चुअली लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में घर पे ही जो मिल जाए वो बढ़िया है। ये चीजें जो होती हैं एक बार ले आते हैं, जैसे ड्रिंक का हो गया और कुछ हो गया, या हम एक बार लेकर रख ली है और इसी वजह से हम चैलेंज घर पे बैठ के कर रहे हैं, बाहर जाकर कोई चैलेंज नहीं कर पा रहे। एक्चुअली में हो जाता है ना कि हम जो चैलेंज कर रहे हैं वो इस बिहाफ पे कर रहे हैं, इस चीज़ को देख के कर रहे हैं कि हमें बाहर से ज़्यादा चीज़ें ना लेनी पड़े अभी, और जो भी हम ले वो ऑलमोस्ट पैकिंग में हो। तो अभी आगे आगे जैसे जैसे लॉकडाउन खुलता है वैसे वैसे कुछ नई चीज़ें सोचेंगे, बट अभी हम लोगों को अपनी भी सेफ्टी रखनी है और आप लोगों को भी इंटरटेनमेंट देना है, तो दोनों चीज़ें देख के करनी पड़ रही है। और अभी नए नए आए हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हो जाएगा। अगर आपको कोई अच्छा सा चैलेंज पता है तो आप हमें बता सकते हो कि ये चैलेंज आप कर सकते हो, तो हम वो चैलेंज ट्राई करेंगे। और अगर आप अपना ऐसे ही प्यार देते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, वीडियो लाइक करेंगे, लाइक एक्चुअली व्यू आ रहे हैं पर लाइक नहीं हो रहे, 10, 11, 12, क्योंकि अभी स्टार्ट ही किया, इतने लाइक तो आएंगे नहीं, पर जितने व्यू हैं उसका अकॉर्डिंग लाइक बहुत कम है, तो आप लाइक भी करें वीडियो तो अच्छा रहेगा। और इंस्टाग्राम की आईडी आ रही होगी तानिया के नीचे, उसको फॉलो कीजिए, वो रील भी बहुत अच्छी अच्छी बना रही है इस टाइम पे। और ट्रेन तो नहीं बोल सकते पर प्रैक्टिस करती है कि अच्छी वो रील बना पाए। आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो कि वीडियो में क्या कमी है, या इस वीडियो को हम और कैसे अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए भी चीज बिल्कुल नहीं है। मैंने, खैर नितिश ने तो पहले एक बार सोच रखी थी कि वो वीडियो बनाएंगे यूट्यूब पे, बट उन्होंने सोची थी बाइक राइडिंग की, बट मेरे लिए ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। अगर मेरे पास कभी
हुआ मेरे से पॉसिबल है तो मैं आपको अपनी शादी की भी रील दिखाऊंगी। मेरे को उसमें भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं फोटो खिंचवा रही हूँ या वीडियोस बनवा रही हूँ, बल्कि मेरे कैमरा मैन को भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी मेरे साथ वीडियोस बनाने में। तो मेरे लिए बिल्कुल अलग चीज़ है ये कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर आके वीडियोज़ बना रही हूँ, वो भी लाइव। तो थोड़ा सा सपोर्ट करो ताकि डीमोटिवेट ना हो, क्योंकि 2 दिन पहले मैं हो चुकी थी डीमोटिवेट। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे थे। आई थिंक वो कोरोना वाले उस पर वीडियो पे मेरे व्यूज़ नहीं आए हैं, तो मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गई थी। बट नीतीश ने बोला कि होता रहता है, धीरे धीरे होगा सब कुछ, एकदम नहीं होता। लोगों को तो बहुत टाइम लग जाता है इन सब चीज़ों के लिए, तो हो जाएगा। तो चलिए, और अभी लॉकडाउन खुल जाएगा तो हम ये नहीं आपको घर घर की वीडियो दिखाएंगे, हम बाहर के भी दिखाएंगे, आउट ऑफ दिल्ली भी जाएंगे। और जैसे ताने ने बताया कि मेरे को, मेरा पहला शौक था कि मैं भी यूट्यूब में वीडियो बनाऊं बाइक राइड्स की, मोटो ब्लॉगिंग करूं। मोटो ब्लॉगिंग करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। देहरादून, मनाली, बाहर की ट्रिप है, मेरा ड्रीम ट्रिप है एक लद्दाख का, वो मैं ताने के साथ जरूर करूंगा। और उसके लिए मैं बाइक भी सोच रखी है, अगर भगवान ने चाहे तो वो बाइक भी लेंगे पहले, उसके बाद लद्दाख का ट्रिप करेंगे। और हाँ, बता आप लोगों को, मुझे बाइक भी चलानी आती है। मैंने आज से कुछ टाइम पहले चलाई थी, हाँ, कोई स्पोर्ट बाइक नहीं थी, सिंपल, मेरे ख्याल से प्लेटिना भी चला रखी है, नीतीश की पल्सर भी चला रखी है 220, बट ऐसे रश में नहीं चलाई, नॉर्मल उसमें चलाई है। पर प्लेटिना मैंने रश में भी चला रखी है, ट्रैफिक में भी चला रखी है, आज से मेरे ख्याल से 5 साल पहले। तो मुझे बाइक भी चलानी आती है। चलो आप बातें खत्म करते हैं, बातें ऐसे चलती रहेंगी हम दोनों के बीच में। अभी चैलेंज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन जीतता कौन आता है। आप प्लीज सपोर्ट कीजिए ताकि मैं इनको कम्पीट करता रहूं और ऐसे हराता रहूं फ्यूचर में भी। गाइस, ये रही हमारी बिस्लेरी की बॉटल, तो मैं इसको आपको थोड़ा सा पास से दिखा देती हूँ। इसमें हमारे पास 3 फ्लेवर हैं, एक ये, तो एक ये बिस्लेरी का लेमन फ्लेवर है और इसके अंदर गैस भी है। और ये कितने ml का है ये मैं आपको बताती हूँ एक बारी। हाँ, 600 ml की एक बॉटल है ये। इसमें एक लेमन फ्लेवर है हमारे पास और एक ऑरेंज फ्लेवर है और एक ये स्पाइसी फ्लेवर है। ये मैंने पिया नहीं है, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। ये दोनों तो मैं पी चुकी हूँ। टोटल हमारे पास इस टाइम 9 बोतलें हैं, एक सेंटर में रखी जाएंगी, 4 इधर और 4 इधर। ये हमारे कप है जिसमें मैं अभी ड्रिंक पीऊँगी। वैसे बिस्लेरी वालों ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, मैंने नहीं देखा था कहीं पर बिस्लेरी की पानी के अलावा जूस की भी बॉटल होंगी। तो अभी देखते हैं टेस्ट कैसा है इसका। और मे बी इसके अंदर थोड़ी सी, जो लेमन वाला उसके अंदर तो थोड़ी गैस है, पर गैस है। आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि कितनी गैस है इसमें और हम कितनी पी सकते हैं। सोच के तो चल रहे हैं अभी कि पी लेंगे, बट देखें कितनी पी सकते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। गैस अगर देखो तो गैस इसमें पूरी है। गैस में गैस बहुत है। मुझे लगता है मैं हारने वाली हूँ, मेरे से ज्यादा भी नहीं पाऊंगी। गैस बहुत ज्यादा है, बहुत सारा गैस है। हमें लगा इतनी गैस नहीं होगी कोल्ड ड्रिंक के कंपेयर में, पर बहुत ज़्यादा गैस है इसमें। ऊपर लेवल भी अलग अलग हुए। मैं सच्ची में हारने वाली हूँ गाइस। Thank you.
सॉरी। अरे ऑरेंज वाले के अकॉर्डिंग व्हाइट वाली में गैस थोड़ी ज्यादा है ना? मुझे तो गैस व्हाइट वाली में ज्यादा है, बट मैंने सोचा था हम कोक का चैलेंज करेंगे या उसका लिम्का का करेंगे, वो तो पॉसिबल ही नहीं था, उसमें तो इससे तिगनी गैस होती है। हमने सोचा हल्की हल्का होगी, गैस कम होगी, पर गैस उसमें बहुत तो नहीं, बराबर ही गैस है। हम लोग पीते हैं, थोड़ी थोड़ी पीते हैं। फ्लेवर बेस्ट है, दोनों फ्लेवर ऑप्शन है। ट्राई करना बिस्ली के आता है, ट्राई कीजिएगा, लेमन एंड डार्क ट्राई कीजिएगा, मिंट। और ज्यादा महंगी भी नहीं है, 40 रुपए की बॉटल है, ऑफर में बट वेरीफाई है, मतलब जस्ट इज अच्छी बॉटल है, अच्छी लगी हमें। जैसे कोई ट्रैवल वगैरह करता है, ट्रैवल में वोमिटिंग वगैरह होती है, उसके लिए बेस्ट है ये। हल्का फ्लेवर है, कोई मिलावट इतनी नहीं है, लाइट है, बहुत लाइट है, पर बस गैस बहुत ज्यादा पी नहीं जा रही। नॉर्मली इतनी गैस नहीं है, हम लोग चैलेंज कर रहे हैं इस वजह से हम लोग एकदम पी रहे हैं, इसलिए भी ज्यादा लग रही है, पर अच्छा है। ये कैसे फिर फटाफट पता नहीं, इसलिए कहते हैं गाइस पानी पीते रहना चाहिए। पीनी बहुत भारी पड़ रही है, बहुत ज्यादा भारी हो गई। मैं जीत गया, मैं थर्ड बोतल भी हाफ खोल दिया, हाफ पी लिया, खोल के दिया हाफ पी लिया। और तानिया आपकी, मेरी दूसरी बोतल का भी अभी अगर आपको दिख रहा होगा ट्रांसपेरेंट कलर है, कितना बच गया है। सेकंड बोतल भी कंप्लीट नहीं हुई है, गुड क्या बोलते हैं लगा, मुझसे नहीं होएगा वरना मुझे वॉमिट आ जाएगी। तो गाइस आज के लिए सॉरी, और विनर है हमारे गैलोट साहब। चीयर्स। तो ये पूरा पियोगे? नहीं, मैं जीत गया, मैं पीऊंगा, वो उम्मीद मर गई है। तो मैं इसका एक बार एक सिप लूंगी, थोड़ा सा लेना, इसका फ्लेवर मैंने कभी पिया नहीं, बल्कि ये वाला फ्लेवर पहला पीते तो अच्छा होता, आराम से पिया जाता, मसाला था, मसाला मार के। इसमें इतनी गैस भी नहीं है, नॉर्मल मसाला सोडा होता वैसा है। ये टेस्टी है, तीनों टेस्टी है, पहले भी ये पीते तो बेस्ट होता। वो गाइस मुझे नहीं लगता था, मुझे था कि हम लोग ये पी लेंगे पूरी, बट नहीं पी पाए, मैं तो दो बोतल पूरी नहीं पी पाई। मैं पानी बहुत कम पीती हूँ, मैं आपको पहले इसके अंदर गैस दिखाती हूँ, इसके अंदर गैस कितनी है अगर आपको दिख रही होगी तो, इसमें गैस है। और ये फ्लेवर मुझे ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसके अंदर मसाला सोडा है, मतलब सोडे के अंदर जैसे थोड़ा बहुत तो मसाला डाल रखा हो। टेस्टी है, तीनों फ्लेवर टेस्टी है, बिस्लेरी ने अपनी इज्जत रखी हुई है, टेस्ट हमें अच्छा लगा तीनों का। और आज मैं हार गई हूँ, तो पहले विनर से पूछते हैं विनर को कैसा लगा जीत के। मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे डांट भी बहुत पड़ती थी पानी की वजह से, क्योंकि निष्ठा जुलाई में हुई थी और उस टाइम गर्मी भी बहुत थी, मैं बिल्कुल पानी नहीं पीती थी। मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ नीतिश और डॉक्टर तक से डांट बहुत पड़ी है कि पानी पिया करो, तो शायद अगर मैं पानी पी लेती तो आज मैं जीत जाती। और अगर मैं आपको दिखाऊँ जो विनर हैं उन्होंने चाव चाव में पी तो बहुत सारी ली है और एकदम पी ली है, और अभी उनका उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल।
तो ये आप कुछ भी डाइजेशन कर लेंगे, मैं जीत गया हूँ और आज का विनर मैं हूँ। तो मैम से आप ये पूछिए कि उन्हें सजा क्या मिलेगी। मैम को अच्छी वाली सजा मिली है, उन्होंने खुद डिसाइड की थी जो भी सजा होगी। अब डाइजेस्ट करता हूँ अपनी कोल्ड ड्रिंक। तो गाइस ऐसा था, चैलेंज आज नितिश ने रखा था बट पनिशमेंट मेरी तरफ से थी। जैसे लास्ट टाइम नितिश ओवर कॉन्फिडेंस थे, आज मैं ओवर कॉन्फिडेंस थी कि मैं ही विनर होंगी। तो आज की जो पनिशमेंट है वो ये है, लेडीज़ का फेवरेट चीज़ होती है शॉपिंग नहीं है, मेकअप चैलेंज है। तो नितिश को मेरा मेकअप करना होगा। अब पनिशमेंट है, पनिशमेंट नितिश के लिए अच्छा है ये कि उन्हें मेकअप करना है। वो पिछली बार का हेयर कट का बदला मेरे से भी ले सकते हैं, बट आई विश जैसे मैंने अच्छा अच्छा उनका हेयर कट किया था तो वो मेरा मेकअप भी अच्छा करें। बेकार किया तो मैं आप लोगों को क्या मुँह दिखाऊंगी, मैं तो मुँह दिखाने लायक ही नहीं रहूँगी। तो देखते हैं, अगर ये रील ज़्यादा बड़ी हो गई हो, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई हो तो उसको सेकेंड पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे, बट वीडियो डालेंगे ज़रूर। और मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, मैं बहुत कम मेकअप करती हूँ, तो आप लोगों को दिख भी जाएगा कि मेरे पास कौन कौन से प्रोडक्ट है और मैं कितना मेकअप यूज़ करती हूँ। बाकी नितिश के लिए तो मुझे लगता है वो मेकअप भी बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि आज तक उन्होंने कभी मेकअप नहीं किया है ना, यहाँ तक कि मुझे मेकअप करते हुए देखा भी नहीं है। तो देखते हैं, ये चैलेंज नितिश के लिए भी है कि वो कैसा तैयार करते हैं। हो सकता है वो बदला ना ले ले मेरे से, थोड़ा सा नर्वस हूँ। देखते हैं कैसे बनती है।